हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस चैनल शेफ अशोक की रसोई में। फ्रेंड्स, जब बात डेजर्ट की आती है और उस समय शाही टुकड़ा हो तो मज़ा ही कुछ और आता है। एकदम क्रिस्पी मलाईदार, हाँ मज़ा आ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मुगलई बेहतरीन डेजर्ट को बनाना। सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं इंग्रीडियंट्स के ऊपर। मेरे पास है यहाँ पर ब्रेड 4 स्लाइस, मावा और ड्राई फ्रूट्स। और सबसे पहले हम बना लेते हैं शुगर सिरप। शुगर सिरप के लिए एक बर्तन गैस के ऊपर चढ़ाकर हमने गैस ऑन कर दिया है। गैस ऑन करके 250 ग्राम जितना हम शुगर ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, और इसमें पानी ऐड करेंगे हम 150 ml जितना पानी ऐड कर लेते हैं इसमें, और इसको अच्छे से उबलने देते हैं। पहले इसको चलाते रहेंगे और इसको अच्छे से उबाल लेंगे। ये चाशनी हमारी दो तार की रहेगी, दो तार की चाशनी हमको बनाने हैं, तो दो तार की चाशनी इसके अंदर लगेगी हमको। तो इसको कंटिन्यू मीडियम आंच के ऊपर हम चलाते रहेंगे। कंटिन्यू इसको चलाने के बाद में स्टार्टिंग में गैस की आंच तेज रखने का, जब उबलने लग जाए उसमें आंच को हम मीडियम कर देंगे और मीडियम आंच के ऊपर हम इसको चलाते जाएंगे। चलिए चाशनी एक तरफ रेडी हो रही है, तब तक हम एक कढ़ाई ले लेते हैं और ब्रेड्स को फ्राई करने के लिए। फ्रेंड्स, इसके लिए नॉर्मल देसी घी यूज किया जाता है, लेकिन अपन हम यहाँ घर पे प्योर तिल्ली का तेल यूज कर रहे हैं तो वही यूज करेंगे। तेल जब तक गर्म होता है तब तक चलिए हम ब्रेड्स काट लेते हैं, और ब्रेड्स को त्रिकोण साइज के अंदर हम काटेंगे। ये देखिए, इसको त्रिकोण साइज के अंदर हमने काट लिया है ब्रेड्स को। इस तरह आपको ब्रेड काटने का है। वैसे नॉर्मली यही साइज जाती है ब्रेड्स के अंदर। इसको एक प्लेट के अंदर रख के हम तेल के अंदर मीडियम आंच के अंदर इसको गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। ध्यान रखना है, कंटिन्यू चलाते रहना हमको, और इसको ब्रेड को जलाने का नहीं है, गोल्डन होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ब्रेड्स का कलर आ चुका है एकदम गोल्डन गोल्डन, बहुत ही अच्छा कलर आया है इसका। बस यही कलर रखने का है आपको भी, जब भी आप बनाएं तो यही कलर रखने का है। इससे ज़्यादा भी नहीं करने का, इससे कम भी नहीं करने का है। एक प्लेट से अंदर अलग निकाल लेते हैं, कुछ प्लेट्स और है मेरे पास, उनको भी मैं गोल्डन फ्राई कर लेता हूँ। ब्रेड को फ्राई करते हुए विशेष तौर पर हमको ध्यान रखने का है, ब्रेड जल नहीं जाए और एक तरफ से कहीं कच्ची नहीं रह जाए, इसलिए इनको कंटिन्यू हमको चलाते रहना है, हिलाते रहना है और पलटी मारते रहना है। चलिए, ये भी फ्राई हो चुकी है, अब हम प्रोसेस कर लेते हैं आगे का। रबड़ी का, रबड़ी को हमने पहले दूध गर्म करके मावा उसमें ऐड कर दिया था, और एक तरफ थोड़ा सा दूध गर्म करके उसमें केसर को अच्छे से उबाल दिया था। ये देखिए कितना अच्छा शानदार कलर आ चुका है केसर का। ये केसर का कलर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। नॉर्मल अगर हम उबालते हैं तो इतना कलर नहीं आता है, इसलिए हम थोड़ा सा दूध लिया और उसके अंदर थोड़ी केसर ज़्यादा डाल के इसको उबाल दिया था, तो इसके अंदर अच्छा सा कलर आ गया। और रबड़ी को हमने पहले बना के रख दिया था थोड़ा सा दूध, और उसके अंदर मावा और चीनी ऐड करके, तो इसको हम मिक्स कर लेते हैं, ठंडा कर लेंगे इसको। रबड़ी को मैंने यहाँ पहले ही उल्टे ठंडा कर दिया था, ये देखिए एकदम ठीक और अच्छे से रबड़ी बन चुकी है। चलिए इसको हम प्लेट्स को चाशनी पिला लेते हैं। ज़्यादा देर चाशनी के अंदर नहीं रखने का है इसको, 2 से 3 सेकंड लास्ट चाशनी के अंदर रखने का है। ज़्यादा ज़्यादा हम 5 सेकंड लास्ट टाइम अप हो जाएगा, 5 सेकंड चाशनी के अंदर रख के फिर ब्रेड्स को वापस निकाल लेंगे हम। सबको एक एक बार अंदर अच्छे से डुबो देने का है। ये देखिए, ब्रेड्स हमारी अंदर अच्छे से डूब चुकी है और चाशनी पी चुकी है, तो अब हम इसे बाहर निकालेंगे वापस। एक एक को अच्छे से पकड़ के बाहर निकाल के एक प्लेट के अंदर रख लेंगे। ये प्लेट्स के अंदर हम निकाल दी बाहर, इसको डिश के अंदर अच्छे से जमा लेते हैं अभी, और जमाने के बाद में इसके ऊपर हम डालेंगे रबड़ी। देखिए कितना कितनी शानदार गोल्डन कलर लग रहा है फ्रेंड्स, एकदम सुनहरा सा कलर, और इसके ऊपर जब रबड़ी डालेंगे तो हाँ मज़ा आ जाता है।
फ्रेंड्स स्वीट शाही टुकड़ा रेडी हो चुका है। देखिए इसके ऊपर अगर हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे तो और कितना अच्छा लगेगा। ड्राई फ्रूट डालने के बाद और भी बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। फ्रेंड्स ऐसी ही मज़ेदार रेसिपियों के साथ में फिर मिलेंगे हम। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और फिर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद दोस्तों।